हाथरस में आज कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नेतृत्व में नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में तहसील सदर पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को प्रेषित एक ज्ञापन तहसीलदार सदर को सौंपा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कि आज पूरे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक आउट हो रहे हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो वो बाद में होती है, पेपर पहले लीक हो जाता है। छात्रों के भविष्य के साथ देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है। आज युवाओं का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी नीट की परीक्षा में जिस प्रकार धांधली देखने को मिली वो किसी से छिपी हुई नहीं है और उसके बावजूद देश की सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार युवाओं की विरोधी है और छात्रों की विरोधी है। कांग्रेसियों ने इस मौके पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार को सौंपते हुए मांग की कि तत्काल पुनः परीक्षा कराई जाए। नीट परीक्षा के परीक्षार्थी देववास ने अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और तीखा विरोध प्रकट किया।